नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। झारखंड पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी की गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। आर्मी की जमीन हथियाने के मामले में ये छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड में छापेमारी की गई है। बता दें कि बरियातू रोड पर मौजूद सेना के कैंप की 4.55 एकड़ जमीन बेचने का मामला है। अमित अग्रवाल की भूमिका को तलाश रही है ईडी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आर्मी की जमीन हथियाने के मामले में ईडी की टीम झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है, और छापेमारी एक साथ दर्जन भर से ज़्यादा ठिकानों पर की जा रही है। ये छापेमारी रांची और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई जगहों पर सुबह से ही की जा रही है। बता दें आपको कि बरियातू रोड पर मौजूद सेना के कैंप की 4.55 एकड़ जमीन बेचने के मामले में ईडी की टीम जांच कर रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईडी जमीन के पक्षकारों से भी पूछताछ करेगी, और साथ ही रांची में जमीन की खरीद बिक्री में अमित अग्रवाल की भूमिका को ईडी तलाश रही है। और रांची में जमीन की खरीद बिक्री में अमित अग्रवाल की भूमिका को ईडी जो है वो तलाश रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अमित अग्रवाल फिलहाल ईडी के गिरफ्त में बताए जा रहे हैं। राजीव कुमार को 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करवाने के मामले में ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ईडी अमित अग्रवाल को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। ईडी को शक है कि संताल के ही क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन में मिले काले धन को अमित अग्रवाल ने जमीन की खरीद बिक्री में खपाया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, झारखंड पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी है। बता दें आपको कि दर्जन भर से ज़्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। आर्मी की जमीन हथियाने के मामले में ये छापेमारी हो रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि जहां पर आर्मी की जमीन को हथियाने को लेकर यहां पर छापेमारी की जा रही है। अमित अग्रवाल बताया जा रहा है जिनके को लेकर ये छापेमारी हो रही है। दर्जन भर से ज़्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। आर्मी की जमीन हथियाने के मामले में ये छापेमारी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि अमित अग्रवाल की भूमिका को तलाश रही है ईडी। तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, झारखंड कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है झारखंड से, झारखंड कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, झारखंड गोटा के ही कांग्रेस नेता प्रदीप यादव के ठिकानों पर रेड पड़ी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। रांची, बेरमो, गोटा समेत 9 जगहों पर ये छापेमारी जो है वो आईटी की पड़ी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस विधायक है अनूप सिंह और प्रदीप यादव के घरों पर आईटी की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। आईटी टीम मौके पर पहुंची है और छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी शुक्रवार की सुबह से ही की जा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जानकारी ये भी है कि बिहार और झारखंड की आईटी की टीम गोड्डा रांची के काके रोड और डोरंडा स्थित में ही घरों पर पहुंचकर छापेमारी कर रहे हैं। बताते चले कि पुड़ैहाट विधायक प्रदीप यादव, बैरमो विधायक अनूप सिंह और शिवशंकर यादव के घरों पर छापेमारी की जा रही है। आईटी की टीम रांची, बैरमो और गोटा में कुल 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड कांग्रेस नेताओं के घर छापेमारी हो रही है। आईटी ने छापेमारी की है, ठिकानों पर जो उनके ठिकाने हैं वहाँ पर आईटी की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि रांची, बेरमो, गोटा समेत 9 जगहों पर ही आईटी की छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर अब आईटी का शिकंजा लगातार नजर आ रहा है। झारखंड और गोटा में ही कांग्रेस नेता प्रदीप यादव के घर भी छापेमारी की जा रही है। बता दें आपको, कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर अब आईटी की रेड पड़ी है।
इमरान खान पर हमले के खिलाफ पाक में भड़का गुस्सा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इमरान खान पर कल ही हमला हुआ था जिसके बाद अब पाक में गुस्सा भड़का हुआ नजर साफ तौर पर आ रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन लगातार जारी है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस्लामाबाद में सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इमरान को लेकर आज पीटीआई की बैठक है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, इमरान खान पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान में अब गुस्सा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई है और उस गोलीबारी में ही खुद इमरान खान भी जख्मी हुए हैं। उनके अलावा 14 और लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है इमरान खान को लेकर, जहाँ पर इमरान खान पर हुए हमले के बाद अब पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। इमरान खान को लाहौर के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक हमलावर ने वजीराबाद में हुई रैली के दौरान ही फायरिंग की थी और पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया था और उस आरोपी ने अपने कबूलनामे में ये मान लिया है कि उसी ने इमरान खान पर फायरिंग की थी और उसने बताया कि इमरान खान और उनकी पार्टी के दूसरे नेता अजान के समय डेक बजाकर शोर कर रहे थे, लोगों को भी गुमराह किया जा रहा था, ये उससे देखा नहीं गया इसलिए उसने गोली चला दी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, इमरान खान पर हमले के बाद से ही अब पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लोगों का साफ तौर पर गुस्सा पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली में जो फायरिंग हुई थी तभी से ये गुस्सा भड़का हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गोलीबारी में खुद इमरान खान भी जख्मी हुए थे। बड़ी जानकारी हमने आपको दी थी और फिर से इसमें अपडेट आ रही है जिसमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उनके अलावा 14 और लोग जो है इमरान खान के अलावा घायल बताए गए और आपको बता दें कि एक शख्स की मौत की भी पुष्टि हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इमरान खान को लाहौर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस के मुताबिक हमलावर ने ही वजीराबाद में हुई रैली के दौरान फायरिंग की थी और पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उस आरोपी ने अपने कबूलनामे में अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। बता दें आपको कि उसने बताया है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के दूसरे नेता अजान के समय में डेक बजाकर शोर कर रहे थे, लोगों को भी गुमराह किया जा रहा था, ये उससे देखा नहीं गया इसलिए उसने गोली चला दी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान में हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। इमरान खान पर हमले के बाद से ही पाकिस्तान के लोग काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर प्रदूषण का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ही 8वीं तक के स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। नोएडा ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 9वीं से 10वीं तक के क्लास भी ऑनलाइन चलाने के सुझाव दिए गए हैं। नोएडा स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताते चले कि नोएडा में AQI 560 के पार पहुंचा है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार है। गुरुग्राम में अगर बात करें तो गुरुग्राम में भी AQI 535 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है, जिसके मद्देनजर ग्रैप की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों और बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर में ही कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक के क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती है। इसके साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली NCR में बहुत दिनों प्रदूषण खराब स्थिति में पहुँच चुका है। गुरुवार सुबह नोएडा में AQI 469 रहा और दिल्ली NCR में कई इलाकों में प्रदूषण का रियल टाइम जो रहा वो AQI 500 के पार भी पहुंच चुका था। तो आपको बता दें कि DIU की डेटा के मुताबिक भी
सुबह 8 बजे दिल्ली में 429, नोएडा में 383 और इसी के साथ गुरुग्राम में 399 AQI दर्ज किया गया था। और दिल्ली NCR के अलावा ही उत्तर भारत के अन्य शहरों का भी बुरा हाल बताया जा रहा है। और जयपुर में ही 220, लखनऊ में 140 घटना, पटना में अगर बात की जाए तो 198 AQI दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दिल्ली में प्रदूषण का कहर साफ तौर पर दिख रहा है। दिल्ली के आसपास इलाकों में भी प्रदूषण का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं नोएडा की बात कर ले तो नोएडा में हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। ऑनलाइन क्लास चलाने का भी आदेश जो है वो जारी हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा में स्कूलों को लेकर चिंता जरूर दिखाई दे रही है छात्रों को लेकर। नोएडा बढ़ते प्रदूषण के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन क्लास का आदेश हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।